खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। निगम चुनाव की जंग साफ हो चुकी है, तस्वीर यहां पर साफ है। बागी बिगाड़ेंगे खेल या फिर बनेंगे रणवीर। जी हां, जयपुर, जोधपुर और कोटा के डबल निगम चुनाव का रोमांच चरम पर पहुंचता जा रहा है। नामांकन वापसी का आज आखिरी दिन था और सियासी दलों के पास था डैमेज कंट्रोल करने का आखिरी मौका, रूठों को मनाने का आखिरी मौका और समीकरण को अपने हक में करने का आखिरी मौका। 345 नामांकन निरस्त होने के बाद और 427 नामांकन वापस लिए जाने के बाद अब सभी 6 निगम की 560 वार्डों पर 2238 उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। तो आखिरी मौके को किसने बुनाया, रूठे यारों को किसने कितना मनाया, अपने जीत के दावे को कितना मजबूत बनाया। दोनों दलों की ओर से दलील तो यही दी जा रही है कि कुनबा एक है और पुरजोर तरीके से सियासी जंग लड़ी जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि कितना कामयाब रहा कमल का मिशन डैमेज कंट्रोल। क्या कांग्रेस कर्णधारों ने बागियों को मना लिया? निगम के रण में सियासी दल रहेंगे सतर्क या बागी करेंगे बेड़ा गर्क? और क्या मान गए बागी या है बगावत बागी? मैं उम्मीद करता हूं किसी कारण से जो अभी नाम वापस नहीं ले पाए हैं वे एक दो दिन के अंदर चुनाव मैदान से स्वतः रिटायर हो जाएंगे, हट जाएंगे। किसी भी तरीके से इस बात का कोई बैरोमीटर राजनीति में नहीं है। ये आदमी बाहर से खुश है और भीतर से नाराज है। दिग्गजों की मनुहार क्या हो गई स्वीकार या मैदान में बगावत अभी भी है बरकरार? पार्टी के कर्णधारों का हो जाएगा बेड़ा पार या निगम के रण में बागी करेंगे बंटाधार? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मान गए बागी या बगावत है बाकी? बिग फाइट में बहस आज जिसे है मुद्दे पर और बहस के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बेहद खास मेहमान। चलिए उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी हमारे साथ हैं, निर्दलीय उम्मीदवार मनोज भार्गव जी हमारे साथ हैं और साथ ही कोटा संवाददाता भवरेश चारण भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। रामलाल जी, शुरुआत आपसे ही करते, कितने कामयाब रहा है कमल अपने लोगों को मनाने में, डैमेज कंट्रोल करने में? देखिए स्वेता जी, जब चुनाव का नामांकन भरा जा रहा था उस नामांकन के बाद में आज 3 बजे तक नाम वापस लेने का समय था। लगभग 80% हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो नाराजगी के तौर के ऊपर या उनको टिकट नहीं मिलने की वजह से जो नॉमिनेशन किए थे उनको हम मनाने में सफल हुए। 20% कार्यकर्ता अभी भी नहीं माने। हमारा प्रयास यही है कि आने वाले समय के अंदर एक दो दिन के अंदर उनकी मान मनवार करके उनको भी हम मैदान से हटा के पार्टी के समर्थन के अंदर खड़े करने का हमारा प्रयास है, वो करेंगे। और प्रयास 3 बजे नामांकन वापस लेने पे खत्म हो गए ऐसा नहीं है, हमारे प्रयास अभी भी जारी रहेंगे ताकि उनकी मान मनवार करके कैसे भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के अंदर वो खड़े रहे। वर्षों तक उन्होंने पार्टी के अंदर काम किया है, पार्टी में सेवाएं उन्होंने दी है। कि उम्मीद है? बिल्कुल निश्चित श्वेता जी, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अभी भी हमें उम्मीद है कि आज नहीं तो कल हम 100% अंतरात्मा की आवाज जब निकलेगी कि वर्षों की तपस्या चंद एक चुनाव की वजह से खत्म हो, हम भी नहीं चाहते कि उसकी तपस्या के ऊपर कलंक लगे। इसलिए हम उदार मन से अभी भी प्रयास जारी रखेंगे कि आने वाले एक दो दिन के अंदर वो पार्टी के उम्मीदवार के साथ खड़े रहकर काम करें। चलिए ठीक है, आप उम्मीद लगा के बैठे हैं। निर्दलीय उम्मीदवार मनोज भार्गव जी भी हमारे साथ हैं। मनोज जी, लोकसभा के चुनाव के दौरान भी आपके साथ हुआ था जब टिकट आपको उस वक्त नहीं मिली थी, दूसरे को टिकट दिया गया था जबकि सभी को उम्मीदें थी, आपको भी थी। अब चुनाव में भी यही हुआ है, क्या वजह रही कि आप मैदान में डटे हुए और आपको लगता है कि ये चुनाव आपको लड़ना ही चाहिए? श्वेता जी, बात इतनी सी है, आपने लोकसभा का जिक्र किया जी। मेरे पिताजी को 6 बार लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए गए थे, वो 7वीं बार उनको टिकट दे दिया गया था। लेकिन मुझे ताज्जुब है, मैंने उसमें टिकट नहीं मांगा था, लेकिन अस्मात उनकी मौत हो जाना जी। वो जो चीज़ थी उसके बाद में पार्टी ने जो टिकट दे चुकी थी वो उनकी मृत बॉडी में से निकाल करके वो टिकट वापस ले लिया और एक ऐसे आदमी को टिकट दिया जिसका आज पार्टी में क्या स्थिति है, पार्टी में कहाँ है वो। क्या मेरे पिताजी का कैटर और जिनको टिकट दिया गया वो एक था? ठीक है, पार्टी ने उससे मेरे विचार नहीं किया, शायद हो सकता है मैं लोकसभा के लायक उस समय शायद नहीं था, उम्र का भी एक तकाजा होता है जी। उसके बाद में जब प्रथम बार जयपुर में नगर निगम बना उस समय मैंने पार्टी से टिकट मांगा था और पार्टी कार्यकर्ताओं के कहने के आधार पर मैंने फार्म दाखिल किया था। उसका नतीजा ये हुआ कि मेरे को बागी घोषित किया गया। मेरे पिताजी उसमें मौजूद थे, मेरे आदरणीय ताऊजी श्री भैरव सिंह जी शेखावत उसमें मौजूद थे, मेरे ताऊजी श्री भंवरलाल जी शर्मा उसमें मौजूद थे। मैं दुनिया में सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन मेरे पिताजी
और जो मेरे पिताजी के आदरणीय हैं उनके सामने मैं नहीं बोल सकता, ये मेरे संस्कार हैं परिवार के। जी जी, मैंने उन सब की बात को ध्यान में रखते हुए उस समय टिकट वापस लिया। उसका नतीजा मेरे को आज ही भुगतना पड़ रहा है कि पार्टी कार्यकर्ताओं को ये लगता था कि पता नहीं मनोज जी कहीं वापस नहीं बैठ जाए, इसलिए ओपन में नहीं आ पा रहे थे। इस बार तो मेरे को रोकने वाला कोई है नहीं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो पार्टी मेरे परिवार से मुंह मोड़ चुके हैं। 2009 के बाद में अब तक यदि पार्टी ने मुझे कुछ भी पार्टी संगठन के अंदर कोई पद दिया हो, आप वार्ड की बात कर रहे हैं, मैं वार्ड की बात नहीं करता, वार्ड के अंदर भी एक भाग होता है जी। उस भाग का भी मेरे को अगर प्रभारी बनाया हो तो पार्टी मुझे बता दे। हाँ, उस समय बात सही है, जिस समय पिताजी की मेरी डेथ हुई थी उस समय आदरणीय श्री ओम प्रकाश जी माथुर साहब ने मुझे प्रदेश कार्य समिति का सदस्य बनाया था और मैं पार्टी की विचारधाराओं के साथ में बन करके अभी तक रहा हूँ। पहला नगर निगम बोर्ड का चुनाव 20 साल हो गए, पांचवीं बार अपन चुनाव लड़ने जा रहे हैं, 5 साल का टर्नओवर होता है। 20 साल तक मेरे वो पिताजी के जाने के बाद में 12 साल का पीरियड वो मैंने एक साधारण कार्यकर्ता के हिसाब से बिताया। मेरी वजह से कहीं पार्टी को नुकसान हुआ हो या पार्टी को, आप कह रहे कि पार्टी के लिए आप हमेशा से ईमानदार रहे हैं, भले ही पार्टी ने अब तक कुछ नहीं सुना हो या लेकिन इस बार आप मैदान में हैं और यही सोच के कि अब तो करना है, लड़ना। मेरी उम्र इस समय 57 साल की है। जी जी, क्या 5 साल बाद में जब 62 साल का हो जाऊंगा तब मैं नगर निगम में चुनाव लड़ूंगा, पार्टी टिकट दे देगी मेरे को? बिल्कुल। और ये जो आपने बताया लोकसभा से और अब तक, रामलाल जी देखिए उम्मीद इसलिए होती है और ये कोशिश का ही परिणाम होता है कि कितनों को आप मना लेते हैं, कितने पार्टी के साथ जाते हैं, कितनों की पार्टी के प्रति ईमानदारी रहती है। लेकिन इसलिए अब हमारे साथ तो मनोज जी खैर बैठे हुए हैं, ज्योति खंडेलवाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व मेयर रही हैं। ज्योति जी, मैनेजमेंट की बात की जाए तो कांग्रेस का मैनेजमेंट इस बार उतना बेहतर नजर नहीं आया है, ऐसा क्यों? क्योंकि वॉर रूम नहीं, कंट्रोल रूम नहीं, कहीं कुछ किसी को जानकारी लेनी हो तो खुद कांग्रेस के लोग ऐसा बोल रहे हैं। क्या पूरी तैयारी नहीं थी या तैयारी वक्त कम मिला और इसलिए पूरा मैनेज नहीं हो सका, या आपको लगता है कि मैनेजमेंट परफेक्ट था? नहीं, श्वेता जी, कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है और लंबे समय से चुनावों का उसको अनुभव रहा है, इसलिए ये कह देना कि मैनेजमेंट ठीक नहीं था ये तो ठीक बात नहीं है। जहां तक शहरी सरकार के चुनाव होते हैं, जहां पार्षद अपना पार्षद चुनना होता है, वहां पर हम ये तो जानते हैं कि इस बार कुछ चेंजेस तो थे, 250 वार्ड भी हुए हैं, 2 नगर निगम भी हुए हैं, चाहे वो कोटा में हो चाहे वो जोधपुर में हो, ये सब चीजें आई हैं सामने। लेकिन ये जो चुनाव होते हैं ये बहुत छोटे एरिया के चुनाव होते हैं, वहाँ पर पर्सनली जो पार्टी के साथ साथ जो पर्सनली व्यक्ति की छवि होती है वो भी उतनी इम्पोर्टेंस रखती है और उसमें जो पार्टी की तरफ से जो एक समन्वय होना चाहिए या जो भी एक सुविधा होनी चाहिए प्रत्याशी को मिलनी चाहिए या कोई राय उसको चाहिए, उसकी पूरी व्यवस्था जो है वो कांग्रेस पार्टी द्वारा की गई है। तो ऐसी कोई परेशानी नहीं है, किसी भी पार्षद प्रत्याशी को कोई परेशानी आती है तो वो जरूर वो जो है समन्वय स्थापित कर सकता है। लेकिन ज्योति जी, हर बार पीसीसी में देखा जाता था एक प्रॉपर सिस्टम होता था, प्रतिनिधि का इलेक्शन पीसीसी में एक प्रॉपर सिस्टम होता था, वो कमी जरूर इस बार खल रही है। नहीं, मैं यूं कहना चाहूंगी, सिस्टम्स जैसे अब केंद्र की सरकार चुननी हो, राजस्थान की सरकार चुननी हो तो अलग अलग तरह की प्रक्रिया होती है, शहर की सरकार चुननी हो तो डीसीसी की जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है और वो डीसीसी की जिम्मेदारी के माध्यम से ही जो है वो काम किए जाते हैं डीसीसी के। और मैं फिर भी कहना चाहूंगी उसमें भी पार्षद का चुनाव के लिए बहुत कम समय होता है, केवल 9-10 दिन का समय जो है वो मिलता है, जो इस बार भी मिला जो हमेशा भी मिलता है। तो उसमें जो है व्यक्तिगत संपर्क करना, व्यक्तिगत लेवल पर चुनाव लड़ना वही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बजाय पूरे शहर का कोई एक कंट्रोल रूम या वॉर रूम बनाया जाए। आपने देखा होगा हमने वार्ड वाइज घोषणा नगर निगमों के लिए जल्दी जारी हो जाएगा, तो निश्चित रूप से देखिए मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि जरूरी नहीं है कि पद पर हो तभी कोई व्यक्ति काम करे और कांग्रेस में बिल्कुल ऐसा होता भी नहीं है। जो व्यक्ति निवर्तमान भी है उसकी भी उतनी जिम्मेदारी है, जो व्यक्ति आगे बनना चाहता है उसकी भी उतनी जिम्मेदारी है, जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है उसकी भी उतनी जिम्मेदारी है। तो कोई केवल पद पर हो व्यक्ति ठीक है, ज्योति जी यानी आप ये मानती है कि हर कोई कांग्रेस में पद में हो या ना हो सबने जिम्मेदारी निभाई है, सबने जिम्मेदारी निभाई है इस निगम चुनाव में। लेकिन एक बात और जानना चाहेंगे,
जरूर। बागियों को मनाने में कांग्रेस कितनी कामयाब रही है? कई लोग नाराज हो गए थे, टिकट मन की मिली नहीं, सामने खड़े हो गए हैं, इन्हें मनाने में कांग्रेस कितनी कामयाब रही है? देखिए श्वेता जी, मैं यूँ कहना चाहूँगी, जब राजस्थान सरकार ने जिस तरह से कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया है, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी उतना ही उत्साह था। उनको हमको पता है कि हम नगर निगम बनाने जा रहे हैं, हमारे बोर्ड बनने जा रहे हैं दोनों, तो उसी हिसाब से प्रत्याशी भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और हर कार्यकर्ता की को सही भी है, जायज़ भी है कि वो डिमांड करेगा और वो जो डिमांड के अपने टिकट की डिमांड करे। लेकिन उसके बाद जब कांग्रेस ने जब प्रत्याशी घोषित कर दिया, तो वो उसका अधिकृत प्रत्याशी है और सब लोग एकजुटता से करेंगे। उसके बावजूद भी कोई असंतोष के कारण अगर बागी हो जाता है, तो निश्चित रूप से हमारी पूरी कोशिश है कि हम उसको अपनी तरफ उसके असंतोष को कम करने की कोशिश करें, मिलाने का प्रयास करें। अब यही अब क्योंकि तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है, अगर खेल किसी का बिगड़ सकता है तो वो बागी बिगाड़ सकते हैं, और इसलिए कोशिश भी लगातार जारी थी। चलिए, आप ये मानती कि कांग्रेस में कोई दिक्कत नहीं है, सब एकजुट होकर ये चुनाव लड़ रहे हैं, जो कैंडिडेट फाइनल किया गया उसे सब जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। चलिए, हमारे साथ मिथिलेश जैमिनी जी भी है, मिथिलेश जी राजनीतिक विश्लेषक है। आपने सबकी बातें सुनी, इस पूरी तैयारी से लेकर कैंडिडेट फाइनल करने से लेकर नाम वापसी तक, अगर हम इस पूरी प्रक्रिया को देखें, कौन आपको ज्यादा भारी नजर आए, बीजेपी या कांग्रेस, कौन ज्यादा कामयाब नजर आए? देखिए, वर्क के हिसाब से अगर हम देखें, ग्राउंड वर्क के हिसाब से, तो बीजेपी आगे है, लेकिन लक, बाय द फैक्टर ऑफ लक देखें तो कांग्रेस आगे नजर आ रही है। उसका बेसिक रीजन है कि जो कांग्रेस को बताया जा रहा था दो खेमों में बटी हुई है, सचिन पायलट ने आगे बढ़कर पहली बार बयान दिया कि कांग्रेस 6 के 6 निगमों में चुनाव जीतने जा रही है। लेकिन बीजेपी में वसुंधरा राजे जी ने आज तक ये बयान नहीं दिया कि 6 के 6 जीतने जा रहे हैं। इसके अलावा जो बीजेपी में आज इनके प्रदेशाध्यक्ष जी का जो बयान आया वो बहुत अहम रखता है। उन्होंने कहा है कि अंदर कोई बात है तो पार्टी से ऊपर बढ़कर नहीं है, यानी कहीं ना कहीं इनको सुगबुगाहट है कि हमारे विधायकों के जो प्रत्याशी थे उनके टिकट काटे गए हैं, वो अंदर भीतर कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। इसके अलावा डैमेज कंट्रोल को भी देखें तो आज कांग्रेस ने काफी लोगों को बिठाया है, जैसे अमीन काग जी ने 17 लोगों को बिठाया, महेश जोशी जी ने 6 को बिठाया। अगर वैशाली नगर साइड देखें तो लालचंद कटारिया के वहां कोई बागी था ही नहीं। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं भाजपा में विष्णु बयानी और जुगनू शर्मा को नहीं बैठा जा सके, जी, वो भी चेहरा है एक, हाँ, वो भी एक चेहरा है। तो कुल मिला के जो एक चेहरा एक तस्वीर बन के आ रही है, उसमें अब फैक्टर जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये फैक्टर है कि वसुंधरा राजे जी आके आगे बयान दे कि भाजपा के सभी लोग जीतेंगे। जैसे अभी मनोज जी ने कहा कि मैं अपने आदरणीय ताऊ जी भैरव सिंह जी शेखावत और मोहनलाल जी शर्मा जी की बात कहकर बैठ गया, तो अब उनकी भूमिका में वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं, वो आए और मनोज जी जैसे जो लोग हैं 57 साल के हो गए हैं, टिकट नहीं मिल पाया है, तो उन्हें समझाएं। तो कहीं ना कहीं भाजपा को अपनी रणनीति पर पुनः विचार करना पड़ेगा, नहीं तो आज की तारीख में भाजपा वाले कुछ भी कहें, जिस शहरी आबो हवा में कहा जाता था कि भगवा बहुत मजबूत हुआ करता था, और इन्होंने 19 मुस्लिम कैंडिडेट उतार कर जो वाइल्ड कार्ड खेला है, वो कहीं ना कहीं हल्का नजर आ रहा है, क्योंकि लोग ये मान के बैठे कि 3 साल कांग्रेस की सरकार रहेगी और विकास की कड़ी से कड़ी जुड़ेगी तो काम बढ़ेंगे, इसका फायदा तो मिलता है, इसका फायदा मिलता भी है। और दूसरा, जो महंगी इलेक्ट्रिसिटी है, पानी है, लॉ ऑर्डर की पोजीशन है, जो स्कूलें बंद है उससे काफी सारे टीचर हो गए, उनकी फीस नहीं मिली, उससे उनको सैलरी नहीं मिल रही है, ये सारे इश्यू को उठाकर अगर भाजपा कुछ करे तो बाजी मार सकती है। लेकिन आज की तारीख में मैं मानता हूं कि अशोक गहलोत भाग्यशाली है, खुद सचिन पायलट ने आज जो लेटर लिखा वो ग्रीन लेटर में ग्रीन शाही का यूज किया है, यानी हरी झंडी दी है। तो कुल मिला के कांग्रेस में डैमेज कंट्रोल होता नजर आ रहा है, और भाजपा में कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे जी की चुप्पी, टिकट के दौरान विधायक और संगठनों के बीच में कई धड़े बनना, एमपी साहब का अलग धड़ा है, एमएलएज के अलग धड़े हैं, अगर सांगानेर में करें तो लाहौटी जी और रामचंद्र जी दोनों के कई बिल्कुल ये बीजेपी को लेकर जो सवाल आपने उठाया रामलाल जी से, इसका जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले हम भंवर का रुख करते हैं। भंवर, जरा कोटा से भी अपडेट दे दीजिए, क्योंकि आज नाम वापसी का आखिरी दिन था और कोटा में भी कई दिग्गजों के साथ दाव पर है, क्या जो दिग्गज बागी हुए उन्हें बैठाने में कामयाब रही है कांग्रेस या बीजेपी दोनों ही? Thank you.
देखिए कुल मिलाकर के अब कोटा में 150 वार्ड जो कि दोनों नगर निगमों को मिला करके हैं, उनमें अब 514 प्रत्याशी चुनाव मैदान में रह गए हैं। नामांकन वापसी की बात करें तो आज कोटा दक्षिण से 48 और कोटा उत्तर से 35 नामांकन वापस हुए हैं, और बीजेपी और कांग्रेस दोनों के दिग्गजों ने बागियों को मनाने में आज अपनी एक तरह से हम कह सकते हैं कि पूरी जान झोंक डाली थी। लेकिन बीजेपी के लिए बड़ी अजीब सी स्थिति बन गई थी जब दो वार्डों में उसके अधिकृत प्रत्याशियों का जो पर्चा है वो नामांकन समीक्षा के दौरान खारिज हो गया था। तो आज बीजेपी ने बड़ा फैसला लिया है, वार्ड 30 से पूजा यादव को समर्थन दिया है और वार्ड 48 से बीजेपी ने सबीना को समर्थन दिया है। इसके अलावा कोटा की सियासत के लिहाज से दो अहम घटनाओं पर मैं रोशनी डालना चाहूंगा श्वेता। एक अहम घटना यह है कि 40 साल से बीजेपी के वर्कर रहे और पार्टी के जिला उपाध्यक्ष रहे सतीश गोपालानी ने कल बीजेपी छोड़ दी थी, ये कहते हुए कि पार्टी ने 40 साल की मेरी सेवा का कोई मान नहीं रखा। उन्होंने यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल से आशीर्वाद लिया और वो कांग्रेस में शामिल हो गए। वो सिंधी समुदाय के बड़े नेता हैं, कोटा शहर में सिंधी मतदाताओं की अच्छी खासी तादाद है। और दूसरी अहम घटना है मोहम्मद हुसैन का कांग्रेस पार्टी से निष्कासन। आम आदमी पार्टी के पार्षद रहे हैं मोहम्मद हुसैन पिछले ही बोर्ड में और 20 दिनों पहले ही कांग्रेस में शामिल हुए थे, लेकिन भीतरघात और बगावत वो कर रहे हैं, इस तरह की शिकायत उनके खिलाफ मिली थी और उनके शामिल होने के 20 दिन बाद ही कांग्रेस ने उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया है। तो बीजेपी जहां बागियों को लेकर थोड़ा सॉफ्ट नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस सख्ती से उनसे निपट रही है। जो नामांकन वापिस हुए हैं उनमें कांग्रेस बीजेपी दोनों के बागी हैं, लेकिन अभी भी दोनों पार्टियों में कुछ मजबूत बागी अभी भी मैदान में डटे हुए हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से चूंकि खुद यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल कमान संभाले हुए हैं तो कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में बीजेपी से एक कदम आगे कोटा में जरूर नजर आ रही है। चलिए बिल्कुल भंवर, आपने अहम जानकारी यहां पर दी है। रामलाल जी, अभी कई सवाल बीजेपी पर उठाए हैं मिथिलेश जी ने, लेकिन कुछ नाम जैसे मनोज भार्गव जी तो हमारे साथ ही हैं, लेकिन नीता खेतान हो गए, समंदर सिंह हो गए, इनको तो नहीं बैठाने में कामयाब हो पाया। और अगर ईमानदार कार्यकर्ता है लगातार लगे हुए, लेकिन कभी तो कार्यकर्ता भी चाहेगा कि उसे इनाम मिले उसके काम का, उसकी ईमानदारी का। क्यों ऐसा होता है कि इतने ज्यादा जो कुछ खास नाम होते हैं जिन्हें लगता है मिलना चाहिए नहीं मिल पाती टिकट, उन्हें बागी होना पड़ता है, निर्दलीय आना पड़ता है। देखिए श्वेता जी, मैं ये कहूंगा कि एक वार्ड के अंदर कार्यकर्ता जो टिकट मांगते हैं उनकी संख्या एक से लेकर 10-15 तक होती है, लेकिन टिकट तो एक को ही मिलता है। लेकिन इसका कहीं ना कहीं ये नहीं है कि साहब जिनको टिकट मिली है, जैसे मनोज जी के सामने जिनको टिकट मिली है, मनीष पारिक जी कई बार पार्षद भी रहे हैं, डिप्टी मेयर भी रहे हैं, मेयर के नाते भी उन्होंने काम किया है, तो एक अनुभवी कार्यकर्ता है। इस आधार के ऊपर ये नहीं कह सकते कि साहब मेरा हक बनता था उनको गलत दे दिया या कल बीजेपी में आए कल ही उनको टिकट दे दिया गया, बात ऐसी नहीं है। एक बड़ा परिवार है, बड़े परिवार के अंदर महत्वाकांक्षा भी रहती है। लेकिन दूसरी बात जो मेरे मित्र पत्रकार बंधु कह रहे हैं, ये आपकी उपजी हुई चीजें हैं जो दुनिया को दिखाई देती है या दुनिया को दिखाने का प्रयास करते हो। भारतीय जनता पार्टी का परिवार एकमुखी है, एक मत के साथ है और सब एकजुट होकर काम कर रहे हैं। कमल के निशान से ऊपर कोई नहीं है, सबके सब कमल के निशान के ऊपर प्रचार करेंगे और उसी को जिताने के लिए प्रयास करेंगे। जिन नाराजगियों की बात आप कर रहे हो कि साहब एमपी साहब और एमएलए के बीच में तालमेल नहीं है, देखिए तालमेल वहां तक नहीं है जहां तक टिकट का वितरण नहीं होता है। टिकट वितरण के बाद में जिसको सिंबल मिला है सबके सब, चाहे एमपी साहब हो, चाहे एमएलए साहब हो, चाहे जिलाध्यक्ष हो, चाहे अन्य कार्यकर्ता हो। मनोज भार्गव जी, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है, मनोज भार्गव जी आप इनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जो सही कैंडिडेट है, जो जिताऊ लग रहा है या जो जरूरी था एक ही को दिया जा सकता है और सभी को मनाया नहीं जा सकता है? पहली बात तो मैं अभी बागी नहीं हुआ हूँ जी, मैं पार्टी से मेरा निष्कासन हुआ है। मैंने मेरे बड़े भाई सतीश जी से जरूर एक आग्रह करा है जी कि बड़े भाई जिससे मैं आप साइन करें निष्कासन पत्र पर तो मुझे पार्टी कार्यालय के बाहर जरूर बुला दें, वो लेटर मेरे को दे दें। आप मेरी पीड़ा को समझ सकते हैं। इस समय मेरी पीड़ा मैन ये है कि मैं कोई चुनाव का टिकट नहीं मांग रहा था, ये बात भी सही है। मैंने इस नगर निगम चुनाव के अंदर अपना बायोडाटा कहीं नहीं दिया था, लेकिन मेरे वार्ड से करीब 15 जो दावेदार थे उन्होंने हमारा जो वार्ड के जो प्रभारी थे उनके सामने मैंने खुद ने बैठ कर प्रभारी जी ने कहा मनोज जी आप कलेक्ट कर लो, मैंने 15 बायोडाटा कलेक्ट किए थे, उन 15 के अंदर योग्य कार्यकर्ता भी हमारे थे। हमें नहीं मालूम था कि हमारे वार्ड के अंदर पैराशूट कैंडिडेट उतारा जाएगा। रही बात मनीष भाई की, मनीष भाई मेरे भाई हैं, ये बात सही है, उनको एक्सपीरियंस भी है, डिप्टी मेयर रह चुके हैं और कांग्रेस के शासनकाल के अंदर उन्होंने डिप्टी मेयर का पद संभाला था, ठीक है ना। लेकिन एक्सपीरियंस तो जब आएगा ना जब उसको कुछ काम करने का मौका दोगे, दूसरे कार्यकर्ता की लाइन तैयार करोगे। ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना कि सुबह पेड़ लगाया शाम को खाड़ के देख रहे हैं जड़ पकड़ रहा है तो बोल फेंक दो उसको उठा करके, वो चीज तो नहीं होनी चाहिए ना। मैं कहीं दौड़ में नहीं था इसके अंदर, मेरी केवल एक ही मांग है कि कार्यकर्ताओं के साथ में इस तरह का व्यवहार क्यों, क्या मेरे वार्ड के अंदर, मैं वार्ड की बात कर रहा हूँ, क्या मेरे वार्ड के अंदर कोई भी लायक कार्यकर्ता नहीं था? बिल्कुल, और ये नियम तो खुद बीजेपी ने बनाए थे रामलाल जी, ये नियम तो बीजेपी के थे मिथिलेश जी। और बीजेपी नहीं, सुरेंद्र पारिक जी अपने भतीजे के लिए टिकट मांग रहे थे, कहीं उनके भतीजे को टिकट नहीं मिला इसलिए तो
ये खेल नहीं चल रहा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा अंदर जो उस वार्ड की जो आवाजें आ रही है कि साहब सुरेंद्र पारिक साहब, लेकिन पैराशूट उम्मीदवार नहीं होगा, 65 के ऊपर का एज, कई ऐसी क्राइटेरिया बीजेपी ने बनाया था, टिकट मांगने का हक सबको है। ठीक है, मैंने टिकट नहीं मांगा, टिकट मांगने के लिए तो ज्योति खंडेलवाल जी के हस्बैंड भी टिकट मांग रहे थे, उनके मामले में तकरार हुआ। ज्योति जी, टिकट तो एक को ही मिलता है, बिल्कुल ज्योति जी, लेकिन इस बात की नाराजगी नहीं, ज्योति जी तो खुद ही काम कर रही है लगातार टिकट वितरित, अब अगर बिल्कुल जिक्र अभी इन्होंने किया, रामलाल जी ने किया जिक्र कि आप भी चाह रही थी टिकट लेकिन नहीं मिल पाया आपके हस्बैंड के लिए। कहना चाहूंगी कि देखिए, मैंने इसमें कोई बात, मैंने मेरे हस्बैंड के लिए मैंने बहुत बहुत सारे कार्यकर्ताओं के लिए टिकट मांगे, बहुत सारे कार्यकर्ताओं को टिकट मिले और उन मैंने जहां जिताऊ कैंडिडेट था उसका पक्ष रखा और पूरी कमेटी ने उसमें मंथन किया, उनको लगा कि हाँ मैं सही बात बोल रही हूँ, मैं कन्विंस कर पाई तो उनको टिकट मिला, उससे कार्यकर्ताओं में हर्ष भी, लेकिन बहुत सारे कार्यकर्ताओं को नहीं भी मिला, तो एक मायूसी भी है कि हाँ मैं चाहता, मेरे को पता था ये जिताऊ कैंडिडेट है लेकिन नहीं मिल पाया, तो एक मायूसी भी है। ये तो एक जनरल बातचीत होती है। ज्योति जी, शरद जी जिताऊ कैंडिडेट नहीं थे क्या? तो इस बार मिसमैनेजमेंट इतना जबरदस्त था कि उनको कितने तो अपने नाम बदलने पड़े, बदलने पड़े, देखिए, और जितने नाम बदलने पड़े साथ ही साथ इनके जो विधायक है वो सिंबल लेकर के नहीं पहुंच सके, बेचारे वो प्रत्याशी वहां इंतजार करती रही कुसुम यादव जी, लेकिन मोहनलाल गुप्ता जी सिंबल लेकर के 3 घंटे में वहां नहीं पहुंच सके, तो मिसमैनेजमेंट है, गुटबाजी है, वो सब बीजेपी और अपने विकास के कामों पर ही आगे बढ़ेगी। ये तो कांग्रेस ने भी था, ये तो कांग्रेस ने भी था, देखिए हालत यही है, पार्षद रह गए कांग्रेस के, धर्मसिंह सिंघानिया, मुकेश शर्मा, उनको चलिए क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, बागी को बैठाकर अपने कैंडिडेट को मजबूत किया जा सकता है, लेकिन अगर किसी की नाराजगी है, ये भी है कि सबको आप एक साथ नहीं ले सकते, लेकिन अगर किसी की नाराजगी है और वो आपके लिए खतरा बन सकता है, तो कोशिश जितने भी दिग्गज नेता है पार्टी के वो लगे हुए इसी काम में कि इन्हें मना लिया जाए, सब एकजुट होकर लड़ाई लड़े, लेकिन गुटबाजी की बात भी सब नकार रहे हैं, गुटबाजी भी है, लेकिन अब देखना होगा कि किसे फायदा मिलता है इन चुनावों में। टिकट तो बट चुके हैं, नाम वापसी का आज आखिरी दिन भी था, लेकिन इंतजार जरूर रहेगा कि जनता जब इन्हें चुनेगी दोनों चरणों में वोट कास्ट करके, और परिणाम यानी 3 नवंबर के दिन भी, कि किसका भाग्य का फैसला होता है, जनता किसके साथ जाती है। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।